Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 1st October 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about reforms in CBI, and this topic is important from our syllabus, paper three, Indian governance point of view, especially the important aspects of governance. So, first, let's understand the background of this article. This article is related to uh, Babri Majid dispute. तो इसका पिछले साल भी हमने इससे रिलेटेड कई सारे एनालिसिस देखे थे जहाँ मैंने आपको बताया था कि अयोध्या में कैसे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के डिस्प्यूट है अयोध्या एज यू ऑल नो एज़ आ होली सिटी ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर ये सरयू नदी है उसके बैंक पे अयोध्या जगह है जो माना जाता है कि वो लॉर्ड राम का बर्थ प्लेस है अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स मेनली रामायणा के हिसाब से ये अयोध्या जगह माना जाता है कि भगवान राम का ये बर्थ प्लेस है और फिर सिक्स सेंचुरी में इस जगह पे भगवान राम की एक मंदिर भी बनाई गई थी तो इस तरह का एक भव्य मंदिर मैग्निफिसेंट मंदिर बनाया गया था सिक्स सेंचुरी के आसपास इन अयोध्या टू मार्क द बर्थ प्लेस ऑफ गॉड राम लेकिन 15 28 में यानी कि सिक्सटीन सेंचुरी में ये मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया दिस टेम्पल वॉज डिमोलिश्ड बाई मीर बाकी मीर बाकी वॉज गवर्नर ऑफ बाबर और उसके बाद इस मंदिर को डिमोलिश करके इस टेम्पल को डिमोलिश करके यहाँ पे एक मॉस्क बना दिया गया बाबरी मस्जिद अब ये मॉस्क काफ़ी टाइम तक अपने जगह पर रहा कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस खासकर कई सारे प्रोटेस्ट हुए पीपल वांटेड टू रिप्लेस दिस मॉस्क एंड वांटेड टू ब्रिंग बैक द टेंपल राम टेंपल अगेन और इस दरमियान कई सारे जो हिंदू डिवाउट्स थे हिंदू पायस लोग थे जिनको कार सेवक कहते हैं वो लोग अक्सर इस एरिया में आकर के ये जो मस्जिद जामा बाबरी मस्जिद वाला एरिया है उसके प्रेमाइसिस में आकर के अक्सर ये लोग यहाँ पर पूजा भजन कीर्तन करते रहते थे इनको हम कहते हैं कार सेवक तो इसी तरह का भजन कीर्तन चल रहा था उन सिक्स दिसंबर 1992 जब कार सेवक एकाएक एक से एजिटेट हो गए और उसमें कुछ बीजेपी के लीडर्स जैसे कि लाल कृष्ण आदवानी उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी ने कुछ एजिटेट करने वाले स्पीचेज भी दिए कुछ इंस्टिगेटिंग स्पीचेज भी दिए अकॉर्डिंग टू द एफ ऑफ सी तो ये जब इंस्टिगेटिंग स्पीचेस दी गई ऑन सिक्स दिसंबर 1992 बाय सम ऑफ़ द लीडर्स तो जो कार सेवक थे वो एजिटेट हो गए और फिर वो इस मस्जिद पे चढ़ के इसको तोड़ने लगे और धीरे धीरे फिर उन्होंने इसको तोड़ तोड़ करके और उसी दिन इसको डिमोलिश कर दिया पूरी तरह से गिरा दिया तो इसके बाद फिर एक डिस्प्यूट स्टार्ट हुई और केस फायर आ, केस रजिस्टर किया गया एफआईआर रजिस्टर्ड रजिस्टर किया गया अंड अगेंस्ट बीजेपी लीडर्स एंड सम ऑफ द अदर कार सेवक्स तो टोटल तीस लोगों के खिलाफ आ, केस रजिस्टर किया गया एक एफआईआर रजिस्टर किया गया उसमें जो जो इम्पोर्टेंट नाम है वो हैं लाल कृष्ण अडवाणी उमा भारती मुरली मनोहर जोशी ये सब बीजेपी के लीडर्स थे उसके अलावा बाला साहब ठाकरे खिलाफ भी केस रजिस्टर किया गया था और इसके बाद सीबीआई का हाथ है उन्होंने कैसे कार सेवक को भरकाया था इस मस्जिद को तोड़ने के लिए ये सब इंक्वायरी का काम दिया गया सीबीआई को अब सीबीआई के बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं तब फिर इस पर्टिकुलर केस पे लौट के आएंगे हम लोग देखो सीबीआई एक इंडिया की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये तो आप सब जानते ही होंगे हमारे देश की टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है तो अगर देश में कोई भी ऐसा कोई भी केस निकल के आता है जिसको रिजॉल्व करने में लोकल पुलिस इनकैपेबल है तो उस केस को फिर सीबीआई को दिया जाता है और सीबीआई बी आई फंक्शंस अंडर सुपरिटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक रिवेंसेज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये पूरा डिपार्टमेंट याद मत रखो कम से कम इतना याद रखो कि जो सी है दैट डायरेक्टली वर्क Under the of of India. और ये जो डिपार्टमेंट है अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो सीधा सीधा सीबीआई को कंट्रोल करता है और इस कारण से सीबीआई के ऑटोनॉमी पे ट्रांसपेरेंसी पे फंक्शनिंग पे अक्सर सवाल उठते रहते हैं क्योंकि जब भी कोई भी ऐसा केस होता है जिसमें सरकार के खिलाफ कोई भी केस फाइल होता है या सरकार के मिनिस्टर्स के खिलाफ या सरकार के जो रूलिंग पार्टी है उनके मेंबर्स के खिलाफ अगर कोई भी केस फाइल होता है तो उस केस में ऐसा देखा गया है अक्सर कि सीबीआई बिल्कुल फ्री तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पाती है एंड इट हैज़ बिन फेल्ट इन पास्ट ऑल्सो कि सी बी अंडर प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम कि पूरी तरह से ये भारत सरकार के अंतर आती है अंडर आती है और भारत सरकार या किसी मिनिस्टर के खिलाफ अगर कोई केस सी बी इंक्वायरी कर रही हो या किसी रूलिंग पार्टी के मेंबर के खिलाफ कर रही हो तो वैसे टाइम में सी पूरी तरह से खोल करके इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना काम नहीं कर पाती है और वैसा ही कुछ केस uh, राइज किया जा रहा है इन दिस बाबरी मस्जिद इशू uh, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस तो देखते हैं सी रोल इन बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस 1993 में अक्टूबर 1993 में सीबीआई ने एक चार्ज फाइल की अगेंस्ट बीजेपी लीडर्स तो जो भी प्रोमिनेंट बीजेपी लीडर्स थे लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती मुरली मनोहर जोशी इन सब के खिलाफ सीबीआई ने चार्ज फाइल की सबको सबके सब के सब सीबीआई के, के हिसाब से देवेयर इन्वॉल्व इन दिस इन्वेस्टिगेशन टू डेमोलिस बाबरी मस्जिद अब ध्यान से देखो सीबीआई ने इन सारे बीजेपी लीडर्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया सीबीआई के हिसाब से सब के सब अक्यूज थे और उस टाइम में सरकार किसकी थी पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी यानी कि कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के सरकार के टाइम में नैचुरली बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ सीबीआई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी ही लेगी क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि सी बी आई फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द डायरेक्शन ऑफ़ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि इंडिकेशन आया होगा कि आप इनके खिलाफ़ चार्जशीट फाइल करें तो चार्जशीट फाइल हो गई थी अब देखो टू थाउजेंड वन में सी ने इन सब के खिलाफ जो भी चार्ज सीट थी उसको ड्रॉप कर दिया जो भी इनके खिलाफ एक्वजेशंस थे उनको ड्रॉप कर दिया सीबीआई ने कहा कि इसमें कुछ इन एक्वेशंस में कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं और उस ग्राउंड पे सीबीआई ने इन सब इंपॉर्टेंट बीजेपी लीडर्स के नाम को ड्रॉप कर दिया अब टू में सरकार किसकी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी मतलब बीजेपी की सरकार थी ओवरऑल एनडीए की सरकार थी जो मेजर पार्टी थी उसकी वो थी बीजेपी तो बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे उनके अंडर आता है सीबीआई तो नेचुरली सीबीआई बी वुड वर्क अंडर द डायरेक्टिव्स और गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और इस कारण से ऐसा लोग कह रहे हैं ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं कि इस कारण से सीबीआई ने इन सारे बीजेपी लीडर्स के अगेंस्ट ये केस ड्रॉप कर दिया फिर देखो टू में जैसे ही ये सरकार हटी वाजपेयी सरकार हटी और मनमोहन सरकार आई यानी कि कांग्रेस की सरकार आई यूपीए की सरकार आई वापस से इनके खिलाफ केस फाइल कर दिया सीबीआई ने तो वही सीबीआई जो 2001 में कह रही थी कि इनके खिलाफ इन बीजेपी लीडर्स के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है वही सीबीआई ने वापस से 2004 में केस फाइल कर दिया इन अलाहाबाद हाई कोर्ट अगेंस्ट दीज बी लीडर्स उन्होंने कहा कि हमसे 2001 में गलती हो गई थी अब हमें और कुछ नए एविडेंसेस मिले हैं और उसके हिसाब से हमें लगता है कि ये सारे लीडर्स इन्वॉल्व थे तो अब देखिए कैसे सरकार के साथ बीजे आ, सी बी का भी अपना अप्रोच बदलता जा रहा है जब जिसकी सरकार हो रही है उसी के मन मुताबिक सी भी काम कर रहा है और अब प्रेजेंट टाइम में क्या न्यूज़ है करेंट न्यूज़ है कि ये जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस था 28 सालों बाद फैसला आ गया है बाय ए स्पेशल कोर्ट ऑफ सीबीआई और इस फैसले में क्या बताया गया है कि ये जो सारे के सारे लोग थे दे वे आर नॉट इन्वॉल्व ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्लान करके बाबरी मस्जिद को डेमोलिस किया है जो भी इंपॉर्टेंट बीजेपी लीडर्स थे लाल कृष्ण आडवाणी उमा भारती या मुरली मनोहर जोशी उन सबको बाइजत बरी कर दिया गया दे हैव बिन गिवेन अक्विटल और बोला गया कि ऐसा नहीं है कि दे हैड प्लान्ड दिस थिंग ये कार सेवक थे जो एजिटेट होकर उन्होंने चढ़ के मस्जिद को गिरा दिया बट इस पर इन बीजेपी लीडर्स का कोई खास रोल नहीं है दैट इज़ वाई दे शुड बी गिवेन अक्विटल उनको बाइजत बरी कर दिया जाना चाहिए उनको फ्री कर देना चाहिए वापस से लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कुछ एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि ऐसा सी बी आई ने इसलिए क्यों किया क्योंकि अभी सरकार किसकी है अगेन बीजेपी रूल पार्टी की सरकार है तो अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये आप लिंक देखिए जब भी सीबीआई बीजेपी के अगेंस्ट काम कर रही है तो कांग्रेस की सरकार है जब भी सीबीआई बीजेपी लीडर्स के सब प्रो काम कर रही है उनको प्रोटेक्ट करने, करने की काम कर रही है तो उस टाइम में बीजेपी की सरकार है एंड दिस कैन नॉट बी जस्ट ए कोइंसिडेंस ऐसा लोग कह रहे हैं और दिस ट्रेंड इन अप्रोच ऑफ सी इन बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस इंडिकेट्स एट समथिंग दैट द सी इज़ नॉट फंक्शनिंग इन फ्री एंड फेयर मैनर अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान से सुनिए आप जब भी सीबीआई पे कोई सवाल आ जाए रिफॉर्म्स इन सीबीआई पे सवाल आ जाए तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल लीडर या प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लेंगे कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो सीबीआई ने ऐसा किया ऐसा नहीं करेंगे आप आप कैसे लिखेंगे आंसर वो मैं अब आप आपको बता देता हूँ अभी तक जो भी मैंने दिखाया ये सब इमेज मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको क्लैरिटी आए आपको ये इशू समझ आए बट आपको आंसर लिखने में काफ़ी जुडिशियस होना पड़ेगा अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको इस तरह का स्टेटमेंट लिखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स लाइक फैजन मुस्तफा रेज्ड क्वेश्चन ऑन फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई द सी बी आई अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ द गोर्मेंट तो ये आर्टिकल फैजन मुस्तफ़ा ने ही लिखा है और उन वो इस तरह का लैंग्वेज यूज करते हैं कि ये जो ट्रेंड है दिस हेंड्स के सी बी आई इज़ फंक्शनिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सी बी आई कहीं ना कहीं सरकार के बताए गए डायरेक्शन्स के हिसाब से ही काम करती है और ऐसा पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑन सी बी आई क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने वो भी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड क्रिटिसाइज सी बी आई बाई कॉलिंग इट अ अकेस्ड पैरट स्पीकिंग इन इट्स मास्टर्स वॉइस तो सी बी आई एक तरह का केज्ड पैरट है अब ये स्टेटमेंट एज इट इज आप याद कर लें क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था टू जी स्कैम के टाइम में जब टू और कोलगेट स्कैम के टाइम में सी बी बार बार चार्जशीट बदल देती थी सरकार के कहने पे तब सी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ अ केज्ड पैरट वो तो वही कहेगा जो सरकार कहेगी तो औ, और, और इट स्पीक्स द मास्टर्स वॉयस तो मास्टर कौन है सरकार प्राइम मिनिस्टर जो भी प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे वो सी बी आई बोलेगी दैट मीन्स वेन सुप्रीम कोर्ट सेट दैट सी बी आई इज अकेस्ड पैरड मीन्स सुप्रीम कोर्ट सेट दैट सी बी आई फंक्शंस अंडर एक्सेसिव पोलिटिकल इंटरफेरेंस और उसको चेंज किया जाना चाहिए ये करंट न्यूज आर्टिकल भी ऐसा ही है अब जब ये न्यूज़ आई है कि सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने सारे के सारे बीजेपी लीडर्स को एक्विटल दे दिया है सबको बाज़त बरी कर दिया है उसने कहा है कि इनका कोई खास रोल नहीं था बाबरी मस्जिद को डेमोलिश करने में जबकि लेबर रंस कमीशन ने साफ साफ कहा था कि इन बीजेपी लीडर्स ने जान बूझ करके कार सेवक को भड़काया था तो पहले पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मंदिर बनाया जा सकता है उस जगह पे लेकिन जिन लोगों ने भी मस्जिद को डिमोलिश किया है उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए तो अगर इन्होंने नहीं गिराया था मस्जिद तो किसी ने तो गिराया था किसी को तो आप सज़ा मिलनी चाहिए ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है सीबीआई से कि सीबीआई ने जो भी इंक्वायरी की उसमें इन बीजेपी लीडर्स को अक्विटल दे दिया तो आखिर सीबीआई की यह भी तो जिम्मेदारी बनती है पता करना कि किसने गिराया था बिकॉज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ऑल्सो सी बी इट मस्ट फाइंड कि किसने गिराया था और उसको सजा मिलनी चाहिए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक तो सी के क्रेडिबिलिटी पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं कई सारे पुराने भी केसेज हैं जैसा है, हवाला स्कैंडल है आज तक सी उसका इंक्वायरी कर ही रही है भोपाल गैस ट्रेजडी या फिर आरूसी तलवार केस आपको पता ही होगा उसमें सी कितनी दफा अपना चार सीट बदला आज तक कभी वो कंक्लूसिव स्टैंड पे नहीं पहुंच पाई अगर आप करंट केस देख लें सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है सुसाइड मर्डर केस नेवर नो अब उसमें भी सीबीआई किसी भी कंक्लूसिव एंड पे नहीं पहुंच पाती है सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स सीबीआई इज लूजिंग इट्स क्रेडिबिलिटी और इसके लिए सीबीआई को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है तो आपको ये जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी इसको आपको एज इट इज़ याद कर लेना चाहिए एग्ज़ाम में आपके यही पॉइंट्स काम आएंगे आपको एग्ज़ाम में बेवजह का किसी भी लीडर का नाम या कुछ और नहीं लिखना है आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं वॉट कैन बी द सजेशंस फॉर ऑटोनोमी ऑफ सी बी आई हाओ वी कैन ब्रिंग रिफॉर्म्स इन फंक्शनिंग ऑफ सी बी आई तो कुछ सजेशंस हो सकते हैं जैसे कि रिड्यूस द गवर्नमेंट कंट्रोल जो बिल्कुल सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल है सीबीआई के ऊपर कैसे उसका अपॉइंटमेंट होगा कैसे ट्रांसफर होगा सब कुछ सरकार डिसाइड करती है उस कंट्रोल को कम करना होगा दूसरा प्रोवाइड स्टैट्यूटरी स्टेटस टू सीबीआई तो सीबीआई तो का भी कैसा है कि कोई प्रॉपर लॉ नहीं है जिसके हिसाब से सीबीआई फंक्शन करे सी के पावर्स फंक्शंस ड्यूटी पूरी तरह से अच्छे से एक लॉ के हिसाब से डिफाइन किए जाने चाहिए ताकि सीबीआई को एक क्लैरिटी आए कि उसको कैसे काम करना है उसका फंक्शन क्या है फॉर दैट वी नीड टू मेक अ प्रॉपर लॉ रिगार्डिंग सीबीआई उसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए थे फॉर रिफॉर्म्स इन सीबीआई तो वो रिफॉर्म्स को भी आपको याद कर लेना है उन रिकमेंडेशन को भी याद कर लेना है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल एंड पब्लिक रिवान्स ने कहा था कि देर इज नीड टू स्ट्रेंथन ह्यूमन रिसोर्स बाई इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाने चाहिए सी में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलॉट किए जाने चाहिए सी को और उनको और ज़्यादा पावर दिए जाने चाहिए अभी कैसा है सीबीआई पूरी तरह से कंट्रोल की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जबकि सीबीआई को और ज्यादा पावर मिलनी चाहिए ताकि वो फ्री ऑटोनोमस और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर सके आर्टिकल फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिज्म इन चाइना दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू सो so, देखते हैं देखो दिस आर्टिकल इज़ अबाउट नेशनल डे ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना जिस तरीके से हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं फिफ्टीनथ अगस्त को वैसे ही चाइनीज़ लोगों के लिए आज का जो दिन है फ़र्स्ट अक्टूबर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है दिस सेलिब्रेट इट एज़ ए नेशनल डे ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और न्यूज़ क्या है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हैज़ सेलिब्रेटेड सेवेंटी फ़र्स्ट एनिवर्सरी ऑन फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी तो जरा इस फर्स्ट अक्टूबर डेट की हिस्ट्री समझते हैं तो देखो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी अभी चाइना में रूल करती है जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इसका रूल आया ये कंट्रोल में आई ये पावर में आई इन चाइना ऑन फर्स्ट अक्टूबर 1949 उसके पहले कैसा था 22 टू ईयर्स से राइट right फ्रॉम 1927 ट्वेंटी सेवन चाइना के अंदर एक सिविल वॉर चल रहा था इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा था दो पार्टियों के बीच में तो दो पार्टी थी वो थे क्यूमिंग तोंग जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं के एम टी और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अब क्यूमिंग तोंग पार्टी क्या चाहती थी क्यूमिंग तांग पार्टी के लीडर थे चियांग की सेक और वो चाहते थे कि एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आए चाइना के अंदर और वो चाइना को नाम देना चाहते थे रिपब्लिक ऑफ चाइना वो पूरी तरह से एक रिपब्लिक कंट्री बनाना चाहते थे चाइना के अंदर जबकि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी इट वॉज़ अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेथांग और ये चाहती थी कि एक सिंगल पार्टी रूल कॉम्युनिस्ट रूल लाया जाए चाइना के अंदर एंड दे कॉल्ड चाइना एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तो ये चियांग की सेख जो चाइना बनाना चाहते थे उसका नाम वो रखना चाहते थे रिपब्लिक ऑफ चाइना जबकि माओ सेतांग जो चाइना बनाना चाहते थे उसका नाम रखना चाहते थे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये दोनों पार्टीज़ के वर्कर्स के बीच में सपोर्टर्स के बीच में पिछले ट्वेंटी टू से राइट फ्रॉम नाइनटीन एक सिविल वॉर चल रहा था कन्फ्लिक्ट चल रहा था और फाइनली ये सिविल वॉर जाकर के ख़त्म हुआ इन 1949 एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अंडर माओ जेडांग इमर्ज विक्टोरियस ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना विक्टोरियस हुई और इसने पूरे के पूरे मेन लैंड चाइना पे अपना कंट्रोल जमा लिया और उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यहाँ पे इस्टब्लिश कर लिया और यहाँ पे इन्होंने कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट कर दिया जबकि चियांग की सेक के जो सपोर्टर्स थे एलॉन्ग विद चियांग की सेक उनको मेन लैंड चाइना छोड़ना पड़ा और फिर उनको मूव करना पड़ा एक छोटे से आइलैंड पे जिसका नाम है फार्मोसा आइलैंड और उस फार्मोसा आइलैंड पे जाकर के इन्होंने अपना कंट्री बनाया रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको हम लोग ताइवान भी कहते हैं आज भी ये जो ताइवान है ये अपने आप को ओरिजिनल चाइना कहता है इसका रियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये अपने आप को इट आइडेंटिफाइज इट सेल्फ एज रियल चाइना और ये जो फर्स्ट अक्टूबर का दिन है ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसी दिन ये फाइनली ये वॉर ख़त्म हुई थी सिविल वॉर ख़त्म हुई थी और इसी दिन जा के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने पूरी तरह से चाइना के ऊपर अपना कंट्रोल जमाया था और इस दिन से चाइना के अंदर कम्युनिज्म स्टार्ट हो गया एंड दैट इज़ वाई दिस डे फर्स्ट अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल डे ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ये बातें आपको जाननी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड हिस्ट्री नेक्स्ट आर्टिकेक्नोलॉजी सेगमेंट इट इज अबाउटिक्रॉम आर सिलेबस इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू तो सबसे पहले करंट न्यूज समझ लेते हैं देखो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का विथ इंडिजीनस बूस्टर इस बात को ध्यान से समझो ऐसा नहीं है कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल पहले से है हमने उस ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर पहले उसको फायर करने के लिए जो बूस्टर होता था वो हम बूस्टर रशियन बूस्टर यूज करते थे अब हमने हमारे देश में डी ने एक बूस्टर बनाया है उस ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने के लिए और उस इंडिजिनस बूस्टर के साथ हमने वापस से ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट फायर किया है इन सक्सेसफुल मैनर तो ये है न्यूज़ ऐसा नहीं है कि हमारे पास ब्रह्मो मिसाइल का सक्सेसफुल फायर अभी हुआ है पहले से था हमने एक अपने बूस्टर के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया है अब यह न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने एक इंडीजीनियस बूस्टर बना लिया लेकिन फिर भी मैंने इस आर्टिकल को कवर किया है इन ऑर्डर टू टेल यू अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में समझते हैं देखो यह ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रसिया ने ज्वाइंट तरीके से बिल्ड किया है इंडिया की डिफेंस कंपनी डी ने रसिया के डिफेंस कंपनी एन के साथ मिल करके यह ब्रह्मोस मिसाइल को

देखो कोई भी मिसाइल जब चलता है तो उसको पहले एक धक्का देना पड़ता है जोर से और फिर जब हवा में वो चला जाता है तो फिर उसको अंदर उसमें दूसरे तरह का फिर इंजन स्टार्ट हो जाता है धक्का देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है तो वो एक इंजन अलग होता है उसका फ्यूल अलग होता है और बाद में जब हवा में वो ट्रैवल करने लगता है तो उसका फ्यूल अलग होता है उसका इंजन अलग होता है तो इसमें भी दो तरह के इंजन हैं जो पहला इंजन है वो सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है मतलब उसमें सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है जो दूसरा इंजन है वो लिक्विड रैमजेट इंजन है अब लिक्विड रैमजेट इंजन कैसे काम करता है

और ये है एयर टू सरफेस अटैक मतलब हवा से ही किसी हेलीकॉप्टर किसी फाइटर जेट से हमने ये ब्रह्मोस मिसाइल को हम लॉन्च कर सकते हैं ताकि वो एयर टू सरफेस अटैक कर सके इस ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज है लगभग 450 हंड्रेड फिफ्टी टू सिक्स किलोमीटर और ये एक सुपर सोनिक मिसाइल है सुपर सोनिक मतलब ये इट कैन ट्रेवल फाइव टाइम्स फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड तो साउंड से ये पाँच गुना ज़्यादा फास्ट चल सकता है और ये सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल इस बात का ध्यान रखेंगे इट इज़ अ क्रूज़ मिसाइल एंड इट इज़ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया का ये सबसे तेज फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है अब क्रूज़ मिसाइल एग्जैक्टली क्या होता है वो देखते हैं देखो मिसाइल दो तरीके के होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज़ मिसाइल यही दो मिसाइल होते ही हैं बस अब बैलिस्टिक मिसाइल कैसा होता है कि यहाँ से आपने इसको फायर किया बैलिस्टिक मिसाइल को तो एक बार आपने उसको धक्का लगा दिया अब वो धीरे धीरे ग्रेविटी के मदद से वो जा करके दूसरे जगह पर गिरेगा सो so, ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज़ मोस्टली गाइडेड बाय ग्रेविटी आपने इस तरह से धक्का दिया एक ट्रेजेक्ट्री पे अब वो जाकर के दूसरे जगह बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो जाकर के इस जगह पे गिरेगा और वहाँ पे अटैक करेगा तो नेचुरली ये काफ़ी हाइर एटमोस्फेयर से ट्रैवल करते हुए जाकर के दूसरे जगह पर गिरता है इसलिए इसका प्रिसीजन ख़राब होता है अब आपको चार किलोमीटर पहले से ही निशाना लगा के मारना है तो नेचुरली थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है तो इट हैज़ लो प्रिसजन बस बट इट हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम द हाइर एटमोस्फेयर हायर एटमोसफियर से इस तरह से वो जाता है और वहाँ जाकर गिरता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इसी को हम लोग कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल ये लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल होते हैं दूसरा होता है क्रूज मिसाइल देखो क्रूज मिसाइल वो कैसा है कि आपने लॉन्च किया आप उसको गाइड कर सकते हैं आप अपने हिसाब से उसको हवा में ही आप अपने सिस्टम पर बैठ करके कंप्यूटर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मदद से उसको आप गाइड कर सकते हो हवा में आप उसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं और उसको पूरी तरह से आप टारगेट पे जाकर के हिट करा सकते हैं तो कंप्यूटर्स के थ्रू वो कंट्रोल्ड होता है सिमुलेटेड होता है गाइडेड मिसाइल दे आर नोन एज क्रूज मिसाइल इनका प्रिसीजन हाई होगा ऑफ कोर्स जहाँ मर्जी आए वहाँ घुमा और जहाँ पे जो टारगेट है वहाँ जाकर के प्रॉपर हिट करो दैट इज़ वाई दे हैव हाई प्रिसीजन और ये लोअर एटमोसफेयर में मूव करते हैं तो इस कारण से इनको फिर कंट्रोल कर पाना इनको डिटेक्ट कर पाना भी मुश्किल हो जाता है देखो बैलिस्टिक मिसाइल को तो रडार सिस्टम पकड़ लेगा कि बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है लेकिन इतना नीचे नीचे से ये गाइडेड मिसाइल चलता है कि इसको रडार भी नहीं पकड़ पाता है और इसके अंदर इंजन यूज होता है देखो ये बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर कोई भी इंजन नहीं होता एक बार आपने फायर कर दिया वो जा करके ग्रेविटी की मदद से गिरेगा इसके अंदर एक इंजन यूज होता है जेट इंजन हो सकता है या रैम जेट इंजन हो सकता है या स्क्रैमजेट इंजन हो सकता है वो इंजन की मदद से हम इसको बीच में भी गाइड कर सकते हैं वी कैन मनूवर इट इन द पाथ इट सेल्फ दट इज नोन एज क्रूज मिसाइल अब क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेगमेंट इट इज अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड कनक लता बरुआ कोस्ट गार्ड सेम्ड आफ्टर कनक लता बरुआ सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर सिक्स हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखो सबसे पहले न्यूज आर्टिकल समझ लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नया सेप कमीशन किया है और उसका नाम रखा गया है कनक लता बरुआ इंडियन कोस्ट गार्ड कनक लता बरुआ कनक लता बरुआ जी के बारे में आप जरूर जानते होंगे सी वॉज अ टीन एज फ्रीडम फाइटर सी वॉज सॉटेड इन आसाम ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट उनके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं सी वॉज ऑल्सो नोन एज बीर बाला एंड सी वॉज द इंडियन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम आसाम एंड सी टुक पार्ट इन क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ नाइनटीन एंड एट द एज ऑफ एटींस यू सॉट बाई ब्रिटिशस नियर गोहपुर पुलिस स्टेशन ये नाम जरूर याद रखेंगे गोहपुर पुलिस स्टेशन ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेंबर इज सेलिब्रेटेड एज हर बर्थ एनिवर्सरी इन आसाम प्लीज अटैम्प्ट दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन इन आर सेगमेंट मोस्ट पॉबेबल पी टी टॉपिक्स फॉर अपकमिंग ए पी सी फिल्म कवर टॉपिक नंबर सिक्सटी फोर टू सिक्सटी सिक्स टॉपिक नंबर सिक्सटी फोर इज अफ्रिकन स्वाइन फिगर आ फीवर About 17,000 of the pigs have died in Assam because of African swine fever this year. African swine fever causes fever, loss of appetite, vomiting, diarrhea in the pigs. It is a highly contagious viral disease. It is caused by a large DNA virus of Aspharviridae family. No vaccine against it has been developed so far. Please attempt this practice question that is based on topic number 64. Topic number 65 is about. Punyadham scheme it has been developed by Assam Tourism Development Corporation the objective of this scheme is to promote tourism in Assam under this religious places also will be developed please practice this question please attempt this question based on topic number 65 topic number 66 is about budget transparency and accountability survey india has been ranked 53 out of 117 countries in transparency and budget accountability the survey is conducted by international budget partnership please attempt this question based on topic number 66 this is the answer of question number 61 to 63 that we had given yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. practice question the answer. It was amnesty about Amnesty International. And uh, first statement says that it is a specialized agency of United Nations. This statement is wrong. Second says that it won Nobel Prize in 1977. This statement is right. So the correct answer will be option B: 2 only. That's all from our side for today, thanks for watching.